दोस्तों, मीटर ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, कुल 3 सवाल हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 2020 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया और 1919 में पूछा गया। आप जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फॉर्म है और उसी को हम लोग जल्दी से करेंगे। बैलेंस ऑफ लेफ्ट एंड राइट। आप देखिए इसमें क्या करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में तो आप 4 यूज करते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ 4 ना यूज करके 2 ही यूज करते हैं और 2 रेजिस्टेंस की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, 100 सेंटीमीटर का एक वायर यानी 1 मीटर का, जिसको आप कहते हैं 1 मीटर या मीटर ब्रिज। बन गया ब्रिज, चलाने के लिए करंट बहाने के लिए आपको देना पड़ेगा, बस 4 रेजिस्टेंस बन गए। ये नल पॉइंट बन गया, ये आपका बताता है 100 सेंटीमीटर का है तो जितना इधर होगा उसमें 100 में से उतना अमाउंट घट जाता है। यहाँ बेटा ध्यान रखना क्या लेफ्ट है क्या राइट है, बस उतना ध्यान रखोगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। क्या कह रहे, मीटर ब्रिज द बैलेंस लेंथ ऑफ द लेफ्ट एंड इज फाउंड 20 सेंटीमीटर। ये बेटा लेफ्ट है तो ये 20 सेंटीमीटर मिल गई, तो ये पूरा क्या होता है 100 सेंटीमीटर का होता है, तो सी टू बी कितना बचेगा 80 सेंटीमीटर। एम राइट बेटा? अब देखिए लेफ्ट में और राइट में क्या रखा गया, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम इन राइट गैप, यानी ये जो वेरिएबल है इसमें आपने 1 ओम रख दिया है और आपको अननोन रेजिस्टेंस यानी एक्स मालूम है। आप जानते ही हैं क्या कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज में इसका रेशियो पी अपान क्यू आर अपान एस, यहाँ पे मीटर है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा यानी लेंथ हो जाएगी भाई। अरे आप जानते हैं भाई x अपॉन r इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, ठीक। ये आपका L1 20 सेंटीमीटर है, बस काम बन गया। इसको काट दीजिए, 1/4 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी 0.25 ओम। आप कह सकते हैं कि जो अननोन है वो 0.25 ओम का है, यानी 4th इज द करेक्ट आंसर। आइए साहब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहले कंडीशन में दिया है कि ये 5 है, ये R है, उस समय ये L1 है, ये 100 माइनस L1 है। तो आपने कहा बहुत अच्छी बात है सर, इसका रेशियो बराबर लेंथ कितना है बेटा, अगर इसको हम C मान लें लेंथ पॉइंट, L1 अपॉन 100 माइनस L1 पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी में क्या कह रहे हैं कि साहब व्हेन ए रेजिस्टेंस आर इज संटेड विद इक्वल रेजिस्टेंस, संट मतलब पैरेलल में लगाना, और आपने इक्वल रेजिस्टेंस यानी आर लगा दिया, कहीं अब क्या होगा, ब्रिज बैलेंस हो रहा है, कहां पे हो रहा है 1.6 L1 पे, यानी ये वाली पार्ट कितना बचेगा 100 माइनस 1.6 L1। अब आप निकाल लीजिए 5, इसका रेशियो इसका इफेक्टिव कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा, पैरेलल में बेटा सेम है, 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। L1 निकाल ले तो R तो हमारा निकल आएगा, L1 निकल आएगा, ये 2 ऊपर ले जाइए तो 5/2 अपॉन R हो जाएगा बेटा, ये ऊपर चला गया, ठीक। तो यहाँ पे पहुंचे 1.6 L1 100 माइनस 1.6 L1। देखो बेटा 5/r की जगह क्या लिख सकते हैं, L1 अपॉन 100 माइनस L1, यहाँ 5/r है और 2 आपके पास एक्स्ट्रा है तो पड़ा रहने दीजिए इसको, और आप कीजिए भाई साहब 5 अपॉन r की जगह L अपॉन इतना, बस अब तो बेटा L1 निकाल ही लोगे ना, अब तो आप निकाल ही लोगे L1, निकाल देते हैं, घबराओ ना। इस L से इस L को काट लीजिए, इसको काट लीजिए, 0.8 बना लीजिए, अब बढ़िया हो गया। इसको इधर ले आइए, यानी 100 माइनस 1. इतना L1, 0.8 से गुणा कर लीजिए तो 80 माइनस 0.8 L1। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो आपका हो जाएगा 100 में से 80 गए 1.6 L1 0.8 L1, ये आपका 20 हो गया, L1 आपका आ गया भाई साहब।
सौ बटे चार यानी 25, जो भी यूनिट हो सेंटीमीटर। आर निकालना है याद निकाल लीजिए, 5/r इज इक्वल टू L1 25, 100 में से L1 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो R बराबर 15 ओम है कोई, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो चीज़ें आसान है, जो जो कहता जा रहा करते जाइए, वीट स्टोन बीज की तरह रेशियो, क्योंकि ये जहां नल पॉइंट मिलेगा P/Q/R/S की कंडीशंस होती है वही हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह लेंथ का रेशियो आ जाता है। आइए सर चलते हैं इसके पास, और इसका थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है कि क्या कह रहा है कि लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज इज बैलेंस 100 रेजिस्टेंस एंड राइट गैप एट द पॉइंट डिवाइडेड द ब्रिज इतना। चलिए लेफ्ट गैप ये हो गया, राइट गैप ये हो गया, तो राइट गैप में इतना था। अब आपने कहा कि सर जो हमारे पास लेंथ होती है ना, जिसको गैल्वेनोमीटर बैलेंस करता है नल पॉइंट ABC, वो रेशियो ही तो बांटता है, तो कहने लगे 3:2 है, ये हमारा एक्स है। इसमें कोई वायर लगाया है जिसका आपको रेजिस्टेंस चाहिए, हमने आपको रेजिस्टेंस दिखाया है, बेसिकली यहाँ एक वायर लगा हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ वायर इज 1.5 मीटर दे रखा है, कायदे से तो हमको एक्स को यूं दिखाना चाहिए, रेजिस्टेंस ना बना के यूं दिखाना चाहिए, ये वायर है। और कितने मीटर का लगा रखा बेटा आपने, 1.5 मीटर का लगा रखा है। कह लगे इसके 1 ओम की चाहिए, कहें भाई साहब पहले रेजिस्टेंस निकालने दीजिए चुपचाप हमको। तो आपने कहा बहुत आराम से X/10 और रेशियो, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो रेशियो हम तो बांटता है, दिस तो रेशियो ही तो होता है, डिवाइड कर रहा हूँ, तो कहें 3:2 है, बहुत अच्छी बात है, इसको काट दीजिए 5, यानी एक्स आपको मिल गया 15 ओम, ये जो वायर है वो 15 ओम का हो गया है। तो 15 ओम का नहीं चाहिए आपको, चाहिए 1 ओम का कितना रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इन्होंने कहा जो लेंथ ऑफ वायर है वो 1.5 है, यानी जो 15 ओम का वायर है उसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर की है, आपको 1 ओम की लेंथ चाहिए। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक एक नियम लगा दीजिए, इतना 15, ठीक काम बन गया आपका, ये हो गया 0.1 मीटर, और उधर ले जाइए -1 मीटर है कोई, यस पहले ही सही हो गया। तो दोस्तों चीज़ें बहुत आसान हैं, अगर आप करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, इस रेशियो को समझते रहिए, आप बड़े आराम से जो है इसको कर लेंगे। हाँ लेफ्ट और राइट का ध्यान रखिएगा।